नमस्कार मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों आज तारीख हो गई आपकी 12 अक्टूबर 2024। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। मेरा नाम वैभव शर्मा है दोस्तों, आपको पता ही है। और वीडियो दोस्तों जिन किसान भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया सबसे पहले लाइक करें और शेयर कर दिया करें, अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगा करे तो जरूर। और अपने जितने भी सगे संबंधी हो जो आलू से संबंधित अपना जानकारी लेना चाह रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और सभी किसान भाइयों को मैं कुछ जानकारी ऐसी देना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुपों में बड़ी शांति पड़ी है इस समय। मंदड़ियाँ सबसे ज्यादा हावी है, जितने भी तेजी वाले, अब तेजी वाले तो किसान ही होते हैं क्योंकि कोई किसान अगर आलू पैदा कर रहा है तो वो ये नहीं सोचेगा मेरा सस्ता बिक जाए। तो इस समय सबसे ज्यादा जो हावी है वो है आपके मंदड़िये। इंदौर में बारिश हो गई, इंदौर में बुआई कितनी हो गई किसी ने कुछ किसी को कुछ नहीं बताया। यूट्यूब चैनल वालों की भी जानकारी सीमित होकर रह गई है और कुछ तो किसान के विरोधी है ये, तो वो काय को देने लगे जानकारियां। हाँ वो दिखा देंगे, उनका बस चले तो इंदौर में वो फसल एक एक फुट की दिखा देंगे कि एक एक फुट का आलू हो गया। पर दोस्तों इंदौर की फसल जो लेट हो रही है उससे किसको फायदा होगा? इंदौर की, अब इंदौर में अब तक कितनी बुआई हो गई, कितनी बारिश हुई है, कौन कौन सी वेरायटियों की ज्यादा बुआई हो रही है दोस्तों? क्योंकि जो पिछली साल हमने जानकारी दी थी इंदौर के बारे में वो एकदम सटीक बैठी थी और किसानों को एक अपना आगे की व्यवस्था जो आलू में लोग करते हैं उसमें बड़ा मील का पत्थर साबित हुई थी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी पहले बताऊंगा दोस्तों आलू के भाव, फिर उसके बाद बात करेंगे इंदौर के बारे में। और इस समय सबसे बुरी स्थिति कुछ कोल्ड स्टोरों पर दोस्तों, स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि पूछो मत। हमारे यही एटा रोड के कोल्ड स्टोर, कुछ कोल्ड स्टोर ऐसे हैं जिनमें स्थिति ये हो गई है कि 700 रुपए 800 रुपए तो गुल्ला खरीद रहे हैं। भाई इसमें थोड़ी सी व्यापारियों की गलती भी कम है क्योंकि कानपुर मंडी जिसके हिसाब से गुल्ले की खरीद होती है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। कानपुर मंडी में इस समय स्थिति इतनी खराब है कि पूछो मत। और फिर थोड़ा सा सोचने पर जब मजबूर हम लोग हो जाते हैं दोस्तों, जब कानपुर मंडी में डिमांड इतनी घटिया कैसे होती चली जा रही है, और जयपुर मंडी की बात करें तो आज टाइट हुई है 50 रुपए, जोधपुर भी आज 50 रुपए टाइट हुई है। त्योहार पे बेचारे जो किसान उम्मीद करके बैठे हुए थे उनकी उम्मीद बिल्कुल धुंधली हो गई, आप समझ लो। त्योहार पे जितनी भी उम्मीद है किसानों ने इस साल 2024 में की, उन उम्मीदों पर लोकल मंडियों ने किसानों को खरा नहीं उतरने दिया। अकेली जयपुर क्या करेगी, जब कानपुर पिट रही है, दिल्ली आजादपुर पिट रही है, तो जयपुर क्या करेगी? तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों। अब मैं शुरुआत करूंगा, आपको पहले बताऊंगा भाव। और ऐसे स्टोर मालिक जो भरपूर किसानों का शोषण करने में इस समय लगे हैं, ध्यान रखना 2025 में नानी याद आ रही है, गारंटी मैं दे देता हूं इस बात की, ठीक है ना। वैसे मेरे को गारंटी देनी नहीं चाहिए पर मैंने दे दी गारंटी, कोई बात नहीं है। क्योंकि 2 करोड़ कट्टे की कैपेसिटी पूरे भारत में बढ़ रही है, खेती रबड़ नहीं है सतन जाएगी। खेती की स्थिति ये हो गई है दोस्तों कि कल मैं अपने 5 से लेकर 7 साल पहले के फोटो अपने आलू के देख रहा था, गूगल फोटो में सेव हो जाते हैं, तो मेरे को देखकर मेरी तबीयत खुश हो गई मेरी, और मेरी आंखों के सामने मैंने ही खुदवा रहा था उस समय आलू। मैं छोटा ज्यादा मेरी उम्र नहीं थी पर मैं पढ़ाई करते थे तो साथ साथ खेत पे भी चले जाते थे, तो वो आलू इतना सुंदर था कि मेरी तबीयत खुश हो गई दोस्तों देख के। और आपको मैं साइड में लगा देता हूँ, आप लोग उस आलू को देख लेना। और उस समय दोस्तों बायर की मॉन्सरिन दवा आती थी, ध्यान, उस दवा से हम बीज शोधन करते थे, ज्यादा महंगी नहीं आती थी। मीराडोर भी लोग उस समय बहुत लगाते थे हम लोग दोस्तों। तो उस आलू को मैंने बगल में लगा दिया है और आप लोग देखना, जिस बगल में पानी की दिख रही है, जो खुदा हुआ खेत में रखा है, आप लोग देखो कितना सुंदर आलू है। लंबी चाल का आलू थोड़ा बहुत होता था, इस समय अब तो CPRI ने बहुत सुधार कर दिया, पर दोस्तों मिट्टी की जो हमने क्या कहते हैं ऐसी तैसी करी है, जो मिट्टी की गुणवत्ता खराब करी है हम लोगों ने, वो उसकी देने के धीरे धीरे क्वालिटी आलू की खराब होती चली आ रही है। पर यह है कि अब क्वालिटी खराब तो समझेगी कि ये तो लोगों को आलू खाना है चमक दमक कितने दिन देख रहे हैं लोग। अब जब ज्यादा उल्टा सीधा DAP और उल्टे सीधे जमीन में केमिकल पटकेंगे तो क्या होगा, एक बार मिट्टी का टेक्सचर खराब हो जाएगा, मिट्टी खराब हो जाएगी, तो क्वालिटी तो खराब हो ही जाएगी ऑटोमेटिक। बायोलॉजिकल की तरफ रुझान लो, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, मेटारेजियम, इन चीजों का इस्तेमाल करो। अब तो ब्लॉकों पर भी अच्छी RML ऐसा मैंने सुना है, देख कर लें, बढ़िया तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्लॉक पे एक्सपायरी डेट देख लें तब ले लें, प्राइवेट कंपनियां बहुत दे रही हैं। सबसे बढ़िया आपको पता ही IPL बायोलॉजिकल लिमिटेड, इसका इस्तेमाल करें। दयाल का भी आता है और आपका कई कंपनियां दोस्तों जो देती है बढ़िया एक्सपायरी डेट देकर। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास जमीन में जरूर लगाएं, जमीन का शोधन जरूर करें, मिट्टी में मित्र कीट डेवलप होंगे, जो दुश्मन कीट है उनको ये खा जाते हैं, उनका ये भोजन करते हैं, तो दोस्तों इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। इसके बारे में गूगल पर पढ़े, मेरी काय को सुने, और सरकारी जो ब्लॉक में स्तर पर जो किसान मित्र होते हैं उनसे जानकारी लें, वो सब जानते हैं, ठीक है। ये है कहानी। अब आ जाते हैं मंडी भाव के ऊपर, फिर बात करेंगे दोस्तों इंदौर के बारे में। तो जो जो मंडी खुली है उनके बारे में बताऊंगा आज दोस्तों। कानपुर की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है, कानपुर में आज ज्यादातर गुल्ले जो बिके हैं वो बिके हैं 16 रुपए तक, 17 रुपए तक।
हल्की क्वालिटी का गुल्ला बिक रहा है 12-13 रुपए किलो तक। मात्र 70-80 गाड़ी की आवक है कानपुर मंडी में, तमाम आड़त ही है, कम से कम 200-250-300 आड़त होंगी। 80 गाड़ी कहां का बाट में आ रही है, फिर भी बेचारे कुछ आड़त ही है, सो अपना लीक पीटने में लगे हुए, क्या करें। पर स्थिति दोस्तों तब बनती है जब मंडी में से पैकारी आलू खरीदने आए, पैकारी आलू खरीदने आता नहीं है, पैकारी आलू कम खरीदने आते हैं तो रेट डाउन रहते हैं। इतनी बड़ी मंडी है, कभी एशिया की बहुत बड़ी मंडी बोली जाती थी कानपुर मंडी, पर दोस्तों पता नहीं किन किस कारणवश स्थिति इतनी गंभीर है कि चाहे व्यापारी लेकर आलू चला जाए, चाहे किसान आलू लेकर चला जाए, 2-4-6 आड़त ऐसी है जिनपे आलू की बिक्री होती है, बाकी तो ये समझ लो कि एक बार अगर आलू की गाड़ी लेके कोई पहुंच जाता है तो दोबारा जाता नहीं है, इतना बुरा हाल है। मोटा आलू बिक रहा है 17-18-19 रुपए, एक्स्ट्रा सुपर 19 रुपए, 20 रुपए एक आध लॉट। हल्की क्वालिटी का 16-17, हॉलैंड बिक रहे हैं 23-24-25 रुपए, हल्के बिक रहे 11-12 रुपए किलो, ओ सॉरी किर्री बिक रही है 11-12.5 रुपए किलो। स्थिति है, अब आप आइडिया लगा लो दोस्तों कि गुल्ला जो कोल्ड स्टोर पर सस्ता बिक रहा है वो इसी की वजह से सस्ता बिक रहा है। जयपुर मंडी 26 रुपए किलो तक आज वीआईपी आलू बिके, हल्की क्वालिटी के आलू बिके 23-24 रुपए, और हल्के हाइब्रिड बिके 14-16-18-20 रुपए किलो तक, और आपके हॉलैंड बिके 25-26 रुपए तक, 26.5 रुपए तक, बढ़िया 60 गाड़ी की आवक है। आवक कंट्रोल हुई, जयपुर में देर नहीं लगती है तेजी आने में। धन्यवाद देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से इतने अच्छे जो आड़ती है जयपुर के, जिन्होंने इस बार कीर्तिमान स्थापित किया है रेट के मामले में। बात करें जोधपुर की तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 24-25, हल्की क्वालिटी का 21-22, हाइब्रिड आलू 18-20। इस हाइब्रिड आलू का नाम किसानों को अच्छा नहीं लग रहा है, इस समय रेट नहीं मिल पा रहे, इसलिए 12-13 गाड़ी। लखनऊ मंडी सुगर फ्री आलू बिका है 22.5-24, हल्की क्वालिटी का 21-22। पूना बंद है, चेन्नई भी खुली है आज, एक्स्ट्रा सुपर आलू बिका है 30-32 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 29-30, हाइब्रिड 25-26, 20 गाड़ी आगरा की है। उसके बाद भी हसन की आवक कम होती जा रही है दिन पे दिन, आगरा के आलू की आवक बढ़ रही है और भाव वहीं के भी स्टैंड है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा भाव डाउन करने का काम तो करते हैं दिल्ली वाले, ठीक है, उनका यहाँ 20 गाड़ी फालतू पहुंच जाए। माहौल तेजी का बना रखा है, मंडी में ऐसी तैसी हो रही है, मंडी में बिक्री होने में आफत आ रही है। पर दोस्तों फिर भी उनकी बात सही है, कहां 70 गाड़ी बेचना मुश्किल हो रही थी, पर अब 120 गाड़ी बेच लेते हैं। बात करें बेंगलोर बंद गुवाहाटी एक्स्ट्रा सुपर आलू 28-30, हल्की क्वालिटी का 26-27। कुछ लोग ऐसे हैं वो अभी कहने लगेंगे अरे शर्मा जी गुवाहाटी तो आज बंद है, पर दोस्तों बंद होने के बाद भी आलू थोड़े बहुत बिकते हैं त्योहार को, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, तो ऐसी बात पकड़ने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में आपकी 115 गाड़ियां 17,000 कट्टा फड़पे हैं, आज कुछ तेजी देखने को मिलती, सो भी नहीं मिल पाई आज, सही बात तो जो वही भाव चल रहे हैं दोस्तों। अब जे है कि कम से कम जे है कि डाउन नहीं हुई दिल्ली मंडी, वही भाव अपना स्टैंड करके रखे हुई है, तो मान लो समझ लो। और आड़तियों की बात अगर सुनो तो आप वीडियो में तो ठीक लगती है, अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ जो लास्ट में जाके जो हम उम्मीद कर रहे थे ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक अच्छी माहौल बनाने का काम किया दोस्तों। पर अब क्या करें, जो हमारे संग यूट्यूब चैनल वाले वही उन्हीं ने ही अपने वही नहीं चाहते कि किसानों को फायदा हो जाए। मुंबई मंडी बंद है आज। अब आ जाते हैं इंदौर की जानकारी को लेकर, तो दोस्तों इंदौर में कुछ बुवाई जल्दी कर दी गई थी उम्मीद से पहले पुखराज आलू की, उसमें क्या हुआ था नुकसान, आज से 10-12 दिन पहले बारिश हो गई तो वो फसल बिल्कुल पूरी तरह से चौपट हो गई। अभी लगभग इंदौर में 40% जो अगेती आलू की बुवाई होती है, पिछली साल जिसमें ज्योति आलू की ज्यादा बुवाई हुई थी, इस बार वहां पे पुखराज और सुपर सिक्स जो 302 आलू होता है उसकी बुवाई दोस्तों ज्यादा हो रही है, ठीक है। पप्पन जी बता देना एड्रेस बता दो इसे, ठीक है, वो ज्यादा हो रही है बाहर निकल गई। अब दो तीन दिन से वहां पे बारिश हो गई दोस्तों तेज, तो लगभग 40% बुवाई वहां पे कंप्लीट हो पाई थी, उसके बाद 2-3 दिन का फिर गैप हो गया, अब आगे बुवाई होगी। इंदौर का जो आलू है दोस्तों वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, आपके सबसे ज्यादा जो उसकी लोडिंग होती है वो जाती है साउथ के लिए और आपके गुजरात के लिए। गुजरात के जब कोल्ड स्टोरों में से गुजरात का आलू खत्म हो जाता है तो यूपी से गुजरात आलू मांगता है, और उसके बाद इंदौर का लोकल फसल चलने लगती है तो वो आलू खाना पसंद करते हैं वो लोग। इंदौर के आलू में चमक ज्यादा बढ़िया होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है दोस्तों, वहां की मिट्टी काली सी होने के बाद भी चमक वमक बढ़िया निकलती है वहां पे, तो वो आलू कच्चा साउथ की मंडियों में चेन्नई तक खूब और बेंगलोर सब जगह जाता है इंदौर का नया आलू और गुजरात में जाता है। 40% बुवाई हो गई, अब 4-5 दिन तक प्रभावित होगी बारिश की वजह से, फिर उसके बाद बुवाई शुरू होगी। आलू इस साल दोस्तों जो मुझे बताया गया वो बताया गया कि इस बार कम लग रहा है, क्योंकि अब लेट होता जा रहा है तो वो लोग प्याज लगाने का काम करते हैं, तो जितना लेट होगा उतना आलू वो लोग कम लगाएंगे। दूसरा, पक्के की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा सा कम है, जो पक्के आलू की फसल जो लगेगी आगे चल के उसकी तरफ लोगों का रुझान किसानों का थोड़ा सा कम है इंदौर वालों का, कारण क्या है वो मुझे पता नहीं। तो 40% बुवाई हुई है दोस्तों अभी। अब आप पुखराज आलू अगर कोई किसान अगर वहां का बुवाई करता है तो
मैं ये भी बता देता हूँ ये फसल कब तक प्रभावित करेगी, तो लगभग 60 दिन में आएगा आलू, 60 से 65 दिन लग जाते हैं, 60 दिन तो कहने की बात है। इंदौर वाले थोड़ा सा लेत पूरा करके खोदते हैं आलू को, बढ़िया साइज हो जाए। तो लगभग अभी आज 12 तारीख है, 12 अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 12 दिसंबर और 12 दिसंबर से 10 दिन और जोड़ लो, कम से कम 20 दिसंबर के आसपास इंदौर का आलू मार्केट में आना चाहिए। और जो कि 40% जो बुवाई हुई है उसका आलू लगभग लगभग आपका आ जाएगा 20 दिसंबर के आसपास, फिर चार पांच दिन का गैप होगा, फिर उसके बाद फिर आएगा आलू दोस्तों इंदौर का। तो कोई ऐसा खास प्रेशर अगेती फसलें मेरे हिसाब से नहीं बना पाएंगी। अब किसी मंडी में दो गाड़ी आ जाए, चार गाड़ी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इंदौर ऊना होशियारपुर लग गई, ऊना होशियारपुर की वीडियो तो लोगों ने बहुत दिखा दिए, पर अब ऊना होशियारपुर में जो नुकसान लोगों को हुए, जो गर्मी की वजह से फसलें खराब हुई, इनके बारे में जानकारी कोई यूट्यूब चैनल वाला नहीं देगा कि देंगे कैसे। अब चक्कर क्या है कि उनको डर लगता है स्टोर मालिकों का और व्यापारियों का। फायदा भाई स्टोर में जो डेली जाके वीडियो बनाएगा वो तो डरेगा ही भाई, स्टोर मालिक जब गुन्ना गुन्ना के देखेंगे तो डरना पड़ेगा ना, मजबूरी है, वो भी इंसानी है, कोई भी हो चाहे एक्स वाई जेड कहीं के भी यूट्यूब चैनल वाले हो। हम नहीं दोस्तों जाते, हमको जरूरत नहीं है कहीं जाने की, हम यहीं से ही प्रॉपर जानकारी किसानों को देने का काम करते हैं। मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूँ, स्टोर मालिक बहुत बुलाते हैं, जाते हैं, अच्छे स्टोर है एक रेट के, वो तो जाते ही उनके यहाँ। तो दोस्तों ये सारी चीज है दोस्तों, तो अच्छे लोगों के लिए तो व्यवस्थाएं पूरी है, बढ़िया है सब बातें। और दोस्तों वैसा आदमी तो वैसी, अब मेजर कंजप्शन मैंने आपको बताया साउथ और गुजरात का है दोस्तों वहां पे, और चार दिन के लिए लगभग बुवाई प्रभावित हो गई। और सुपर सिक्स और पुखराज आलू ज्यादा लगा, इसकी पैदावार ज्यादा होती है, पिछली बार ज्योति लगा था। कच्चे की तरफ दोस्तों रुझान थोड़ा सा ज्यादा है लोगों का, कच्चे में आलू ज्यादातर खुद के अपना मार्केट में बिक्री हो जाएगा, और पक्की फसल की बात है, पहले कच्चे से जो प्रभावित होगा कोल्ड स्टोर का आलू, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब एक बात दूसरी जो मैंने जानकारी दी, इससे ना तो आप जी अटकलें लगाएं कि आलू 2000 रुपए कट्टा बिकेगा, मैंने इसके बारे में जानकारी आपको नहीं दी है, ना इससे कोई भविष्य का सरोकार है, ये एक अपडेट है वो मैंने आपको दे दिया। अब आगे इससे क्या होगा, क्या रेट आलू बिक्री होंगे, ये मुझे जानकारी नहीं है। जो बेचारे किसान ऐसे रहे जिनको आलू की बिक्री 1500 रुपए 1400 ने भी बेचा, आज वो मेरे सामने 1100 रुपए 1000 रुपए कट्टे में आलू बेचने को मजबूर हो रहे हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे बिक्री करते रहो, जिससे ऊंचे भी रेट ले लो और नीचे भी रेट ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ।